आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज 24P7 पर इस वक्त की खबर। दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद पर अमित श्रीवास्तव ने हासिल की जीत। मंत्री पद पर रामनयन जीते व सह मंत्री प्रशासन बने अभिमन्यु। आजमगढ़ के दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के चुनाव के लिए रविवार को मतगणना का कार्य संपन्न हुआ। मतगणना संपन्न होने के बाद अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अमित श्रीवास्तव ने 78 वोट से विजय हासिल की। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राम नगीना उपाध्याय को हराया। राम नगीना को 104 मत प्राप्त हुआ। वही अन्य दो प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह को 91 और वीरेंद्र मिश्रा को 19 मत प्राप्त हुए। मंत्री पद पर रामनयन यादव 227 मत प्राप्त कर विजय हुई। वही दूसरे स्थान पर रणधीर सिंह रहे जिनको 139 मत मिला। वही तीसरे प्रतिद्वंदी दीपक श्रीवास्तव को मात्र 22 वोट मिल सके। इसके अलावा सहमंत्री प्रशासन के एक पद पर अभिमन्यु चौहान विजय हुए। उनको कुल 244 मत प्राप्त हुआ जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी दीपक सिंह को 145 वोट ही प्राप्त हो सका। दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में मतगणना संपन्न। अध्यक्ष पद पर अमित श्रीवास्तव ने हासिल की जीत। मंत्री पद पर रामनयन जीते व सहमंत्री प्रशासन बने अभिमन्यु। मैं जनपद अभिभाषक संघ पे अध्यक्ष पद पे निर्वाचित हुआ हूँ। कितने पदों के लिए चुनाव हुआ था और कितने मतों से आप विजयी हुए हैं और आपके प्रतिद्वंदी कौन? मेरे निकटतम प्रतिद्वंदी श्री राम नगीना उपाध्याय एडवोकेट जी रहे और 3 पदों के लिए ही चुनाव हुआ था, अध्यक्ष पद, मंत्री पद और सह मंत्री प्रशासन के पद पे। और मुझे ये कहने में गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे ही साथ चुनाव लड़ने वाले मेरे ही पैनल के गठबंधन, मान लीजिए श्री रामनयन यादव मंत्री निर्वाचित हुए हैं और श्री अभिमन्यु चौहान सह मंत्री प्रशासन के पद पे निर्वाचित हुए हैं। कितने मतों से आप जीते? 72 मत से मैं जीता हूँ। देखिए ऐसा है कि हमारे कचहरी परिसर में और प्रशासन में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। कर्मचारी और अधिकारी मनमाने हो गए हैं। रिकॉर्ड रूम की व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब है और उसमें यहाँ का प्रशासन इस समय एकदम अधिवक्ताओं के प्रति उपेक्षा रखता है और हमारे जिलाधिकारी भी थोड़ा सहानुभूत नहीं रखते हैं, उनको रखना चाहिए है। इसी वजह से अधिवक्ताओं की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। तो मैं अपनी टीम के साथ और अपने अधिवक्ता भाइयों के सहयोग से जितनी भी गड़बड़ियां हैं उसको पूरी कोशिश करूंगा, अधिवक्ताओं का हित बहाल रहे, कर्मचारी अपने हैसियत में रहें, वो अधिवक्ताओं के ऊपर है। ये अधिकारी, कुछ कर्मचारी ऐसे हो गए जो पीओ बन के काम करते हैं तो उन पर भी रोक लगाई जाएगी और भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाना आम आदमी के साथ, और सबसे बड़ी बात बार बेंच में सहयोग रहे, अधिवक्ताओं को सम्मान दिया जाए। दो एक पहिया है, एक गाड़ी के दो पहिया हैं, दोनों को साथ लेके चलना है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि संदेश यही जाएगा रिजीम का, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई दलाली नहीं और रिकॉर्ड रूम ठीक हो, हमारे साथ सहयोग हो, हम बाहर से सहयोग करेंगे। मैं रामनयन यादव जिला अभिभाषक संघ का मंत्री पद पर निर्वाचित हुआ हूँ। हमारे प्रतिद्वंदी रणधीर सिंह रहे जो लगभग मैं 100 वोटों से करीब चुनाव जीता हूँ। पूरा अधिवक्ता बंधुओं ने हमको सहयोग का, मैं सभी अधिवक्ता बंधुओं के लिए आभार व्यक्त करता हूँ तथा अपने जूनियर अधिवक्ताओं और सीनियर अधिवक्ताओं के प्रति जो भी उनकी समस्या कचहरी परिसर में रहेगी जितना संभव होगा उतना प्रयास किया जाएगा उनकी समस्या दूर हो। माल अभिलेखागार में काफ़ी दिनों से समस्या, कई रिजीमों से लेकर के अधिवक्ता और मोहरिल काफ़ी परेशान हैं। ये मेरी प्रथम वरीयता होगी कि माल अभिलेखागार की व्यवस्था जिलाधिकारी से मिलकर तत्काल उसको सुधारा जाए और बार बेंच का रिलेशन सामंजस्यपूर्ण भाव पूरी तरह से बना रहे, अधिवक्ताओं का सम्मान सर्वोपरि रहेगा। किसी भी अधिवक्ता के साथ यदि किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है तो हम उसके सहयोग में हमेशा 24 घंटे खड़े रहेंगे।